आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज से कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी पब्लिश की थी। उस कहानी में अब तक आप लोगों ने जाना कि कैसे लखन काका को उन तीनों लड़कों की बातों पर यकीन नहीं हुआ, मगर उनके लाख समझाने के बाद लखन काका गेस्ट हाउस में रात भर रुकने के लिए मान गए। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लें और साथ ही लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की तरफ। दूसरे दिन सुबह मैं यानी अतुल जल्द ही उठ गया और शाम तक का अपना सारा काम निपटा लिया। शाम तक का सारा काम निपटाने के बाद अब बस मुझे इंतजार था तो अंधेरा होने का। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अंधेरा हुआ तो हम सारे दोस्त दोबारा उसी जगह पर इकट्ठा हुए जहां पिछली रात लखन काका ने हमें कहानी सुनाई थी। लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी जब लखन काका नहीं आए तो हम सबके चेहरे पर मायूसी छा गई। अब तक लखन काका का इंतजार करते हुए हमें काफ़ी वक्त बीत गया था और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद आज लखन काका नहीं आएंगे। हम सारे दोस्त अब तक आग के पास से उठकर जा ही रहे थे कि तभी हमें एक आवाज़ आई। क्या हुआ, आगे की कहानी नहीं जाननी? हम लोगों ने उस आवाज़ की तरफ पीछे पलटकर देखा तो वो लखन काका थे जो हमें बुलाते हुए आग के पास बैठने को बोल रहे थे। लखन काका को देख सबके चेहरे पर छाई मायूसी खुशी में तब्दील हो गई। हम सारे बैठते ही लखन काका ने कहानी को शुरू किया। कहानी का दूसरा भाग। उस दिन तो मैं यानी लखन उन तीनों लड़कों की बातों से रात भर गेस्ट हाउस में रुकने को तैयार हो गया, मगर अब मैं भी थोड़ा घबराने लगा था। दिन भर का सारा काम निपटाकर रात होते ही मैं गेस्ट हाउस के लिए निकल गया। गेस्ट हाउस पहुंचकर मैंने देखा कि वो तीनों लड़के उसी तरह एक ही कमरे में बैठे हुए थे। मैं भी उन्हीं के पास जाकर बैठ गया। उनमें से एक तो डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था, जिस पर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे साहब कुछ नहीं होगा, आप डरो मत। अब तक हम लोग जाग रहे थे, तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। हल्की हल्की ठंड थी तो मैं वहीं एक चादर बिछाकर लेट गया। ठीक आधी रात को घंटी के टनटन की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैंने उठकर देखा तो वो तीनों लड़के एक दूसरे से चिपक कर डरे सहमे बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में बच्चों के खिलखिलाने की आवाज आने लगी और साथ ही ऐसी आवाजें भी आ रही थी मानो कोई मास्टर बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हो। अब तक मैं भी सहम चुका था। किसी तरह मैं उन तीनों लड़कों को हिम्मत दिए जा रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर निकलकर देखा जाए कि आखिर ये आवाज आ किधर से रही है, मगर मैं अकेले बाहर नहीं जाना चाहता था। लिहाजन मैंने उन तीनों को मेरे साथ चलने को कहा, जिस पर पहले तो उन तीनों ने बाहर चलने से साफ इनकार कर दिया, मगर मेरे हिम्मत देने के बाद वो तीनों चलने को तैयार हो गए। कमरे से बाहर निकलते ही वो आवाजें और तेज हो गई। हम लोग अपने कमरे से जितना दूर जा रहे थे वो आवाजें हमारे उतने ही करीब आते जा रहे थे। उस आवाज को ढूंढते ढूंढते हम लोग एक कमरे के पास पहुंचे, जहां पहुंचते ही बच्चों की खिलखिलाहट की आवाज ने जोर पकड़ लिया, जिससे पता चल रहा था कि वो आवाज इसी कमरे के भीतर से आ रही है। हम में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम उस कमरे में झांक पाए, पर किसी तरह हिम्मत बांधकर मैंने वो दरवाजा हल्का सा सरकाया। उस कमरे के भीतर हमने जो देखा मानो हमारी धड़कनें रुक सी गईं। उस कमरे के भीतर
बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने एक ही जैसे स्कूल के कपड़े पहने थे। उन सबके चेहरे बुरी तरह से कुचले हुए थे और सबकी आंखें लाल सुरख थी। डर के मारे हमने अपने मुंह को हाथ से दबा लिया कि कहीं हमारे मुंह से आवाज ना निकल जाए। पर चौंकने वाली बात तो यह थी कि दिन भर तो उस कमरे में एक भी स्कूली बेंच नहीं थे, फिर रात होते ही इतने सारे बेंच वहां कैसे आ गए। किसी तरह हमने अपने आप को संभाला और उस गेस्ट हाउस से बाहर निकल आए। इसी के साथ लखन काका ने अपनी कहानी यहीं रोक दी और कहा, अब जाओ घर। हाँ, आगे की कहानी जरूर सुनना, बहुत अच्छी होगी। इसी के साथ ही लखन काका वहाँ से उठकर चले गए, जिसके साथ ही हम लोग भी अपने घर चले आए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें डार्क फाइल्स चैनल पर। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे इसी कहानी का आखिरी भाग लेकर।